हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्न एफर्टलेसली। आई होप कि आप सभी फाइन होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी जो कि हम सीखेंगे विजुलाइजेशन टेक्निक से। इससे पहले जितनी भी वोकैब की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हुई हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आज की वीडियो लेक्चर का फर्स्ट वर्ड ambidextrous। It's an adjective meaning able to use the left hand and the right hand equally well। हिंदी में हम कह सकते हैं दाएं और बाएं हाथ दोनों हाथों से एक समान काम कर सकने योग्य। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि इज एन ambidextrous प्रोफेसर बिकॉज ही यूजेस हिज बोथ द हैंड्स फॉर राइटिंग। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि एक ambidextrous प्रोफेसर है क्योंकि वो अपने दोनों हाथ जो है वो राइटिंग के लिए एक साथ यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि कौन है। ये उन सभी को पता होगा जिन्होंने थ्री इडियट्स मूवी देख रखी है। चलिए एक बार इनको घुमा देते हैं। सर जी एक बार घूम जाइए। अब मैंने आपको इनका चेहरा भी दिखा दिया। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि उस मूवी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धि कौन थे या किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हमें सिर्फ मदद मिलेगी क्योंकि हमने अगर वो मूवी देख रखी है तो हम इस वर्ड को इजीली रिटेन रख पाएंगे, और अगर नहीं भी देख रखी है तो ये एग्जांपल और ये पिक्चर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस वर्ड को रिटेन रखने में। गाइस इस चैनल के वोकैब वीडियो लेक्चर्स में आपको एग्जांपल से मिलती जुलती पिक्चर्स मिलेगी ताकि आप इन वर्ड्स को इजीली मेमोराइज कर सको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। हैगल इट्स अ वर्ब मीनिंग टू आर्ग्यू विद समबडी अंटिल यू रीच एन एग्रीमेंट स्पेशली अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। हिंदी में कह सकते हैं मोल भाव करना, या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बार्गेन करना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केट्स में बहुत सारी लेडीज जो हैं वो शॉपकीपर से बार्गेन करती हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इन द मार्केट अ टूरिस्ट वॉज हैगलिंग ओवर द प्राइस ऑफ एन आइटम। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक फॉरेन की एक फीमेल टूरिस्ट एक इंडियन शॉपकीपर से हैगलिंग कर रही है और उसे बोल रही है ये काफ़ी महंगा है, यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। अब वो इंडियन शॉपकीपर भी सोच रहा होगा कि अब दाल नहीं गलने वाली, ये इंडिया में आके इंडियन से बहुत कुछ सीख चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड कम्बरसम। इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी यूज वेयर एटसेट्रा। हिंदी में कह सकते हैं भारी भरकम। इस वर्ड के मीनिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। The inexperienced knights found it difficult to fight in the cumbersome armors। जैसे कि अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं टू inexperienced knight को बड़ा difficult, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जब वो cumbersome armors को पहनकर fight कर रहे हैं। वो काफ़ी struggle कर रहे हैं इन cumbersome armors को पहनकर fight करते हुए। कुछ synonym देख लेते हैं इस word के। burdensome, bulky, heavy, weighty। Next word देख लेते हैं। एम्बर इट्स अ नॉन मीनिंग पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज नॉट बर्निंग बट इज स्टिल रेड एंड हॉट आफ्टर फायर हैज डाइड। हिंदी में हम कह सकते हैं अंगार। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फायर वॉकिंग इज द एक्ट ऑफ वॉकिंग बेयर फुट ओवर अ बेड ऑफ हॉट एम्बर्स और स्टोन्स। फायर वॉकिंग एक ऐसा एक्ट है जिसमें लोग नंगे पाँव एक हॉट एम्बर्स के बेड पर वॉक करते हैं। आई नो आप सभी को पता ही होगा फायर वॉक के, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में तो देखा होगा। ये मोस्टली इंडिया के सदर्न पार्ट में हिंदुइज्म का एक फेस्टिवल है जिसमें लोग नंगे पांव एक अंगारों के बेड पर चल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आर्टिकुलेट इट्स अ वर्ब मीनिंग टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स। हिंदी में हम कह सकते हैं किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से कहना या अपने आइडियाज और फीलिंग्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ द गर्ल्स आर अनएबल टू आर्टिकुलेट द अनहैप्पीनेस दे फील। दोनों लड़कियां वो दुख को जो वो फील कर रही थी उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो दोनों लड़कियां जो एक दूसरे से जो कुछ कहना चाहती हैं उसे वो अच्छी तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही। ओके गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में ही बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिल जाए। और आप रियली अपनी स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करना चाहते हैं तो आपको इन सभी वीडियोस को वॉच करना होगा और इन सभी वर्ड्स को मेमोराइज करना होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव एन ऑसम डे।